अगर मेरे पास 2000 रुपए होते तो मैं अपनी ससुराल पैदल जाता जाता है, मैं कैसे जाता, गाड़ी से जाता, बैठ के जाता। अब ऐसे करो, मेरे ससुराल जाने को पैसे लिए, 10 रुपए दे दो। कंकाल सिंह जी साहब जी, भाई ये तो ज्यादा ही शरीफ आदमी दिखे भाई, इस पर बिल्कुल पैसे नहीं, वाकई शरीफ। तू एक काम कर, तेरे पे 10 रुपए तेरा दे दे सर। ले पकड़, और दोबारा नजर मत आ जाइयो सर। तुझे बड़े अच्छे हो, रोज मिलते रहे राजी मुझे। लो पैसे के पैसे ले गया और मामा अलग से बता गया। अरे कंकाल सिंह एक बात तो सुन जी साहब जी। अरे परेशान आदमियों की मदद करना भी पुलिस का फर्ज है। कबूल कर, बंदूक की बंदूक ने चुराया है। कंकाल सिंह की सुन ले मैं, तू आंटी बंदूक चुराया। अरे कंकाल, इस खाकर बस फर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हे मेरे आपको मत मारो। हवलदार साहब, मेरा तजर्बा कह रहा इना और ना मारो, इना ज्यादा मारने से 6 डिग्री सेंट की तय भूल जाएगी। कंकाल सिंह, मेरा नाम नरम सिंह है, पर मैं बहुत सख्त दरोगा हूँ। मैं यूं कह रहा हूँ, थमो मत, मार मार के मेरी चमड़ी की खाल तार दो, और जब तक मैं कबूल ना करूँ रुको मत। अरे कैसे पुलिस वाले हो तुम, अरे खड़े हो, अरे रुको मत, मारो। मैं ना नहीं सुननी चाहता। अरे पुलिस वाले हाथ दिखा दो नलायक को। अच्छा तो यो बात है दरोगा जी, ये बजरंग बली, ये दुश्मन की बली। क्या बात है, कैसे आया, क्या हासिल लिया? हवलदार साहब, यहाँ थाने में ना बहुत गर्मी हो रही, मैं जरा बाहर ताजी हवा खाता हूँ। अरे साफ साफ क्यों ना कहता, मुझे पिटते हुए को देख के तेरी हवा खुशक होगी। वो मैं तो मेरा तजर्बा कह रहा पट्टे, तू डर गया है? अरे साहब जी, सबसे पहले तो तुम मुझे न्यू बताओ और कि यू के खाड़ा जुड़ा पड़ा था। प्रैक्टिस करवा रहा मैं अपने सिपाहियों को। लठोते अपनी करवट तुलवा के, कमाल है भाई। के करें भाई, चोर उचक्का तो कोई हमारे इलाके में है नहीं, अब इन सिपाहियों को पिटाई की प्रैक्टिस करवाना भी जरूरी है। अब तू बता, तू क्यों कराया? मैं हूँ मुखबिर, एसएसपी साहब ने मजे थारे पीछे लगा रखा, थारी खबर लेने को, अक्तम इस थाने को कुकर चला रे। ओ भाई, एसएसपी साहब से हमारी शिकायत ना करिए। नहीं नहीं, मैं तो करूंगा। अरे यार मत करिए भाई, कुछ ले दे के काम चला ले। ठीक है, तुम कह रहे तो नहीं बताने का, पर रुपए 500 लूंगा। ले भाई, तू रुपए ले, और देखा महारा पिंड छो। अरे मरोड़ा सिंह जी जनाब, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ जो पुलिस वाले ने एक मुखबर को रिश्वत दी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा भाई? अबे आड़ू के बीच कैसा दूध दे के गया तू, सारा दूध फट गया। फट गया तो फिर मैं क्या करूँ? घनी बकवास करेगा तेरी दादी को खत्म करवा दूंगा। दूधिया के बच्चे तू जानता नहीं मुझे? रे आड़ू के बीज, रे नलायक के बच्चे, रे फोन धर दे नहीं तो तेरी जाबू तोड़ दूंगा और नाड़ मरोड़ दूंगा। नरम सिंह नाम है मेरा, नरम सिंह नाम है मेरा, दरोगा बहुत सख्त हूँ मैं, अपना जुर्म कबूल कर ले कवि के बच्चे। मुझे याद ना देना मेरा, मुझे याद ना देना बेकार है, स्वतंत्रता जन्मदिन में स्वीकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चुप भी क्यों आना, राष्ट्र कौन सुन कम छोड़ दे उन्हें, तेरे जैसे बदमाश। अरे दरोगा जी, क्या जुर्म किया इसने? अरे खान साहब, इसने कोई जुर्म नहीं करा, यही तो जुर्म है इसका। हम भी हिंदुस्तानी पुलिस के जवान हैं, डंडा फेर फेर का जुर्म कबूल करा के छोड़ेंगे।
अजी दरोगा जी। हाँ। मेरा पति मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। प्रिय पत्नी अपनी दृष्टि इधर घुमाओ, मुझे स्वतंत्र कराओ, मुझे संग घर ले जाओ। हैं? तू यहाँ पड़ा, यहाँ क्या कर रहा? यू ही है क्या तेरा फटीचर पति? हाँ हाँ है तो यू ही। कहाँ से मिला? यू बहुत बड़ा राज है, छोरियों के स्कूल पे खड़ा होके दारू पी के और आती जाती छोरियों को छेड़ रहा है। हाय हाय हाय, असत्य बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। अच्छा यो पुलिस झूठ बोल रही, जरूर तो कुकर्म कर रहा होगा लुच्चे। अभी बताऊं तुझे, घर को चल, वही बनाऊंगी तेरे बेलन से फिटनेस। कभी कभी बने तू कभी बने मात्रा पैरा ना करो पैरा। ए जल्दी रे, मैं मरोड़ा कंकाल, बस हिंदी के ताव से बड़ा पिछा छटा। दरोगा जी मेरा चालान काट के मुझे जेल कब भेजोगे? अरे सल्लू भाई क्यों मजाक करते हो, तुम्हें हमारे थाने के अंदर कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं है, मुझे चालान काट के जेल भेजना तुम्हारा फर्ज है। वो तो ठीक है सल्लू मियाँ, पर तुम यहीं रहो, खाओ पियो मौज करो, थारे लारे हमारा भी जी लगा रहा होगा। तुम मेरी असलियत को नहीं जानते, मैं कौन हूँ? तुम सल्लू खान हो, दाऊद के चेले। मैं दाऊद का चेला नहीं हूँ, मैं क्राइम ब्रांच का अफसर हूँ, तुम्हारी निगरानी करने आया हूँ। सब सब मैं तुम्हारा थाना डिसमिस करा दूंगा, तुम ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो। सर आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे अपने कार्य में बहुत कोताही हुई है, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, आप हमारे थाने को डिसमिस मत करवाना। ठीक है, तुम आदमी ईमानदार हो, इसलिए इस बार इस गलती को माफ कर रहा हूँ, आगे से अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाना। अच्छा सर, अब मैं चल रहा हूँ। उधार कर लो, उधार की कर लो, तेरा बाप की दुकान है, उधार कर लो। अजी बाप से एक बात याद आई, सांझ के टाइम अपने बाप की जेब में 10 रुपए चुरा के तमाला कर दूंगा, ये बात होगी चोरी करके जला देगा। हाँ और के समझाओ। Yeah.
चीली। चेक चीली। आवाओ। क्यों नहीं बोलती तू? मैं तेरी खाना लगूं तेरी बाती। वो हमेशा ही बोलती। ना बोलता। बोल। जे चीली मैं ये देखती कि तू अंधी तो नहीं होती। चांदी की होता मैं देख रहा, वो भी देख रहा। तो सामने रसगुल्ले रस की खाती क्यों नहीं? बाबू मैं रसगुल्ले दिल नहीं खा रहा। तू अगर रसगुल्ले खा लो मेरा नाश हो जाएगा उसका नाम लिखवाने की। तुम जरा नाराज हो गया रसगुल्ले को मनाने के लिए रसगुल्ले लाया। अगर मैंने खा लिया मेरा नाश हो जाएगा। जे चीली रसगुल्ला खाने से नाश होती? रसगुल्ला खाने से नाश की ऐसी होती? ऐसे होती मैं उसका रंग लाया हूँ। अगर इसे नहीं मिला, इसे नहीं मानी तो मेरा नाश तो चेक चिली ले हम अपने नाश करती। मुमानी का तेरी मुमानी का नाश करती ले। हम अपने दबन दबन नाश करती। हाँ पैसे लो, ये बस एक ही पैसे। ये ठीक है जाओ। यो 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 ओए हबीबी शेख चिल्ली हम तेरे घर आती, तू इधर किधर जाती? जाती जाती मैं बोले भी नहीं जाता। खतरनाक भी होती? होती नहीं, होता खतरनाक हो। बिल्कुल हुतैया, ओए हबीबी हम इस क्षेत्र में एक नेक काम करना चाहते। हम गरीब लोगों को पैसे को पानी पिलाना चाहती, शरबत पिलाना चाहती।
लाइट पाले है चंदे में। अबे तू पागल है, चंदे में कोई पानी देता है? 100 का नोट दे, 100 का नोट। मैं नोट नोट रही है हमारे पास पानी पानी है। अरे चेक चिल्ली, हम पानी नहीं देती। अब पानी देती है, नगद नगद पैसा दे। Oh.